अगर आप भी कुछ इस तरह से अपने प्रोफाइल में ब्लू टिक लगाते हो ना, तो आपका आईडी ग्रो करने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। और आप इस तरह का ब्लू टिक कैसे लगा सकते हो और आपको इससे क्या क्या फायदा होगा वो मैं आज की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और मुझे ये ब्लू टिक जो साहब की तरफ से नहीं मिला है, मैंने खुद लगाया है अपने फोटो में, ठीक है। तो वहां से आप अपने अपना फोटो से आप उस तरह से कैसे लगाओगे, ठीक है, वो मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरा नाम जान लो, मैं हूँ आर्यन, आप देख रहे हो टेक बॉय यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो फट टेक से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके फायदे क्या क्या है। तो सबसे पहले हम आपको एक ही चीज बात कर रहे हैं, वो घुमा घुमा के काई बोल रहे हैं। तो इसके फायदे कुछ ऐसे हैं, अगर आपका वीडियो फॉर यू पेज पर जाता है ना और आपका प्रोफाइल को खोल के देखता है, या फिर आपका प्रोफाइल डायरेक्ट फॉर यू पेज पर नजर आता है, और अगर आपके प्रोफाइल पर ब्लू टिक लगा हो, तो आपका फॉलोअर्स बढ़ने का चांस ज्यादा हो जाता है। और अगर आपका प्रोफाइल पर ब्लू टिक लगा हो ना, तो कोई भी हो, कोई भी पब्लिक हो, वो आपकी वीडियो को पूरा देख कर जाता है। तो इसे आप कैसे बनाओगे ना, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और आप इस तरह ये वाला जरूर ट्राई करना, क्योंकि मेरे पिछले महीने काफी सारे फॉलोअर्स बढ़े हैं सिर्फ इस ट्रिक को करके, ठीक है। तो आप ये जरूर करना, अभी मैं बताता हूँ कि आप इसे कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, उसके बाद मैं आपको सारा सिस्टम बताऊंगा। और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं भी आप स्किप मत करना, वरना फिर आपसे गलती हो जाएगा, तो फिर आपका अच्छा से प्रोफाइल नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है पिक्सल लैब, ठीक है। तो यहाँ पर हम पिक्सल लैब सर्च कर लेते हैं। तो आप देख लो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से है, तो आप इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, कैंसिल कर देना है। उसके बाद ये जो न्यू टेक्स्ट टैग है ना, उसको आप ऊपर से टच करके, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, उसे आप डिलीट कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ फोर्थ नंबर ऑप्शन पे आना है। फोर्थ नंबर ऑप्शन पर आने के बाद आपको यहाँ एक कलर का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो कलर के ऑप्शन पर आप टैप करना, और उसके बाद आपको पूरा वाइट कर लेना है, और वाइट करने के बाद आपको सही पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड नंबर ऑप्शन पर यहाँ आना है। उसके बाद आपको एक इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो इंपोर्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी फ़ोटो है उसे आप ले लेना, ठीक है। और अभी हम यहाँ पर एक फ़ोटो ले लेते हैं। तो अभी हमने ये फ़ोटो ले लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर किनारे में एक स्क्वायर का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे गोल है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अच्छे से आपको एडजस्ट कर लेना है जितना आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको सही पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इसे जितना बड़ा था उसे उतना ही बड़ा रहने देना है, ठीक है, इतना बड़ा आप रहने देना। उसके बाद इसे आप बीच में कर लेना बिल्कुल। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से वही इम्पोर्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और इम्पोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको मैं एक ब्लू टिक दूंगा, तो आप उस ब्लू टिक को ना अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, और वहाँ पर आपको टच करना है फर्स्ट वाले वेबसाइट पर, और आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो अभी हम ब्लू टिक ले लेते हैं, और आपको वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम उस ब्लू टिक को ले लेते हैं, और उसके बाद आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। तो हमने यहाँ पर इस ब्लू टिक को ले लिया है। उसके बाद आपको यहाँ सही पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, और इसको आधा ऊपर और आधा नीचे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से इसे रखा है, और इस तरह से रखने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इस तरह से रख देना है। उसके बाद आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। आप एडजस्ट अच्छे से कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऊपर में सेव का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर आप क्लिक करना और सेव एज इमेज कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से ऑप्शन मिलेगा, तो आप सेव टू गैलरी कर लेना। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका मोबाइल में ये सेव हो चुका है। उसके बाद आपको जाना है सिंपली से जोस ऐप पर, यहाँ पर मैं आवाज़ कम कर देता हूँ। उसके बाद आपको जोस एप्लीकेशन पर चले जाना है, और जोस ऐप पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आइकन में आना है, अपना फ़ोटो बदलना है। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर मैंने एक पहले से लगा के रखा हुआ है, तो चूज फोटो पर आप क्लिक करना, और आपके सामने वो वाला फ़ोटो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप सेव कर देना, और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा फ़ोटो यहाँ पर सेव हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर जब मेरा फ़ोटो जो सेव हो चुका है ना, वो आप देखने में लग रहा है कि ब्लू टिक मुझे मिला हुआ है शायद। तो इस तरह से काफ़ी लोग गड़बड़ा जाते हैं कि उन्हें मुझे ब्लू टिक मिला हुआ है या नहीं, और इस अनबन में वो मुझे फॉलो कर रहे थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको कर लेना है। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज हमेशा लेकर आते रहते हैं। मिलता नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।